वो ये झरना है छोटा सा, पर नदी भी ये साथ में है। हाँ यहाँ पानी थोड़ा बहुत ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज हम लोग जा रहे हैं शादी में, एक और शादी का ब्लॉग आपको दिखाने जा रहा हूँ। पहले तो हम लोग गए थे दूर शादी में, इस बार थोड़ा करीब ही है और बिल्कुल दूसरी तरफ है गांव के। तो जाते हुए मैं आपको रास्ते भी दिखाता हूँ, काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत रास्ते हैं। बाकी हम लोग कुछ जा रहे हैं और जा रहे भी हैं पैदल, क्योंकि वहाँ पर रोड तो है पर गाड़ी नहीं है। हमारे पास गाड़ी नहीं है, बाइक तो है पर बंदे ज़्यादा हैं इसीलिए। अच्छा मोबाइल से ज़्यादा देखने की जगह मुझे नीचे भी देखना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर रास्ते हैं और एक जब स्लिप हो गया तो बस फिर गया। गाड़ी भी है, गाड़ी के पैसे नहीं है। जब YouTube देगा पैसे तो अब यार आप अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब कर दें, बने रहिए हमारे साथ कल तक। अबे मुझे पीछे से पकड़ के रखियो, मैं स्लिप हो गया ना तो व्लॉग बेचारा मेरा आधा रह जाएगा। मैंने पकड़ के रखा तो स्लिप हुआ तो शर्ट ही फट जाएगी। नहीं नहीं शर्ट नहीं फाड़ गया, ये चेक करो यार व्यू भाई। और कुछ हम वो आगे से जा रही है शादी शादी पर, और कुछ यहाँ पर हैं हम सब लोग। हम वैसे तो चाहे तो गाड़ी पे भी जा सकते हैं पर फिलहाल अभी कोई गाड़ी आ नहीं रही और यहाँ पर गाड़ी बहुत मुश्किल से आती है, कभी कभार आती है। अब कोई मिल भी गई तो वो भी भरी भी होगी आदमियों से, कम उसमें भी बंदे नहीं होंगे। थोड़े अलग थोड़े बहुत बंदे हो तो चलो हम उसके ऊपर बैठ जाएंगे। बहरहाल मैं आपको जगह दिखाऊँ, वो घर दिख रहा है आपको जहाँ पर थोड़े से बंदे हैं, ज़ूम कर, वो जहाँ दरख ख़त्म हो रहे हैं ना, वो दो चार बंदे खड़े, वो उस घर में हम लोग जा रहे हैं शादी पे। बस सही है, ये बिल्कुल इसी सीट में हम वहाँ पर जा रहे हैं शादी में और तकरीबन आधे घंटे में इंशाल्लाह हम लोग पहुँच जाएंगे। और ये देखें पीछे एक और बंदा आ रहा है, सेट रोड पे लेट सेट को। हमारी रोड बारिश के बाद थोड़ा बहुत पानी यहाँ पे जमा, ज़्यादा नहीं है। और वैसे यहाँ पे तो अगर चार दिन भी बारिश लगी रहे लगातार अभी लगी है, लेकिन घंटे एक बात पता ही नहीं होता कि बारिश लगी भी है या नहीं। हाल पता जहाँ पे ये रोड पे ही सिर्फ वाइड रोड है, ऐसी जगह जहाँ पे थोड़े बहुत खड्डे हों तो पानी रुक जाता है, बाकी कहीं नहीं रुकता। बाकी आपको पता है पहाड़ी इलाका है, बह जाता है पानी सारा। तो अभी आवाम चेक करो, थोड़े थोड़े फासले में बस गांव की शादी। और सीन ये है कि हज़ारों यहाँ पे शादी दिन में ही की जाती है। अब जैसे हम शहर में होते हैं तो कहीं रात को होती है, वहीं में रात को होता है, यहाँ वो सीन नहीं होता, यहाँ पर रात को नहीं होती, यहाँ दिन में ही होती है। वो इसलिए एक तो रास्ते ख़तरनाक है बहुत, या फिर रात को आते हुए भाई कोई जानवर भी हमला कर सकता है, या फिर कहीं स्लिप होकर गिर भी सकता है वहाँ कहीं से, वो पहाड़ी से गिरे तो हो गया काम, इसलिए यहाँ पे शादी दिन में ही होती है। चलो आगे चलते हैं। ये आ गया गांव मझोट, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत गांव है, चेक करो। और वो रहा घर, ये जहाँ पे दो चार बंदे भी खड़े हैं, दो चार नहीं है काफ़ी आवाम खड़ी है, तो बस वहाँ पे जाना है हम लोगों ने। और अभी तो खैर काफ़ी फासला है, तकरीबन ज़्यादा ना भी हो तो 20-25 मिनट तो लग ही जाएंगे, क्योंकि ये पूरा रास्ता होते होते रोड से हम चलते चलते वहाँ तक जाएंगे और फिर वहाँ से पर घर तक, तो थोड़ा सा फासला है। रास्ते में दो नदियाँ आती हैं, बहुत छोटी छोटी नदियाँ सूख गई हैं, एक तो सूख गई है, एक में फिर थोड़ा बहुत पानी है वहाँ से बनाएंगे। तो ये कभी दिखाता हूँ नदी, उसमें मतलब बिल्कुल ही ना के बराबर ही पानी हो गया, कम हो गया। यहाँ रोड के करीब से जो पानी है वो अंदर से जा रहा है, ज़मीन के अंदर से, बाकी थोड़ा ऊपर की तरफ जाओ तो वहाँ पे लोग
झरना लगा हुआ है, लोग अपने यहाँ के जो गांव के लोग हैं वो अपने घर के लिए भर के लेके जाते हैं। जैसे जैसे जमाना आगे गुजर रहा है लोगों के गुनाह बढ़ रहे हैं, पानी कम हो रहा है, एक आएगा खत्म हो जाएगा। ये है वो नदी जिसकी मैं बात कर रहा था, यहाँ से साइड से तो ये थोड़ा थोड़ा पानी दिख रहा है आपको, बिल्कुल मतलब आवाज़ अगर गौर से सुने इसके तो आ रही है। देखो यहाँ से चेक करो, ये पानी यहाँ तक आ रहा है थोड़ा बहुत और आगे आया है अंदर, और इसी तरह ये ऊपर से, वो ऊपर अगर आप गौर से देखें तो पानी आ रहा है वहाँ से, लेकिन जो रोड बनाते हैं या बारिश के बाद यहाँ पे जो हालात हो जाते हैं, मिट्टी आती है नीचे तो पानी फिर नीचे से गुजरता है, मिट्टी ऊपर आ जाती है, तो बस यही सीन है। अभी सूखा नहीं काफ़ी माशाल्लाह, काम पानी तो बहुत है इसमें, तो दिखाता हूँ मैं आपको अगली नदी भी दिखाता हूँ। ये है वो दूसरी नदी, वैसे तो ये मेरे पीछे जो है वो ये झरना है छोटा सा, पर नदी भी ये साथ में है। हाँ यहाँ पानी थोड़ा बहुत ज़्यादा है, थक गए हैं यहाँ पे पहुँचते पहुँचते, बस अब शादी है वो यही ऊपर है, ज़्यादा दूर नहीं, वहाँ से चढ़ेंगे और बस पहुँच जाएंगे। तो नदी दिखाऊँ तो ये है माशाल्लाह खूबसूरत, खूबसूरत बहुत है, नज़ारे में खूबसूरती बहुत है माशाल्लाह। चलें फिर अब ऊपर जाते हैं शादी में, वहाँ देखते हैं क्या मामलात हैं। हम लोग शादी से वापस आ चुके हैं, खाना जो है वो बहुत ही मज़े का था, पर आने में थोड़ा लेट हो गए हैं, और वैसे शादी का सीन ये है कि यहाँ गांव की शादी होती है, इसलिए अपने गांव में है तो फिर अलग बात है कि शादी की भी हर चीज़ दिखा सकते हैं हम लोग यूट्यूब पे खाना वाना, लेकिन दूसरे गांव जा करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो चलें आज का ब्लॉग बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।